गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन आरसी एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट है, और केमिकल बॉन्डिंग की प्रीवियस क्लासेस में अपन स्टडी किया है जो केमिकल जो बॉन्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं एक बॉन्ड के लिए वो किस टाइप से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से एटम से आते हैं, उस नेचर के आधार पे टाइप ऑफ जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बातें करेंगे। टाइप ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में। सबसे बड़ा चीज़ अपने पास जो मेन अपना पार्ट है वो है बॉन्ड्स, और टाइप ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के रहेंगे उनका क्लासिफिकेशन समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ बॉन्ड्स में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पर अगर बातें करें कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, या ऑर्बिटल के आधार पर अगर बात करें ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है, ऑर्बिटल है ओवरलैपिंग होता है उसके बेस पर कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप से अपन इसकी बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स की। सबसे पहले आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पर टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर देखें ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वाले अगर बात करें तो आपके पास में ये है आयनिक बॉन्ड। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। सेकंड वाला जो है वो है आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड, को देखने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये अपन स्टडी किया है इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसकी अपन बात करेंगे वन बाय वन, एक एक अपन देखने वाले हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पर जो बॉन्ड हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये मोस्टली अपने पास में है। ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन होती हैं उस ओवरलैपिंग डायरेक्शन के आधार पर है, डायरेक्शन के बेस पर है 2 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। और ये 2 टाइप्स के बॉन्ड कौन कौन से हैं, एक आपके पास में बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये कौन सा होता है, इसका नाम है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड और इसका नाम है पाई बॉन्ड। पाई के साथ साइन देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है इसको बोलते हैं सिग्मा साइन, और ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। नॉर्मली अपन ने देखा टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पे बात करें तो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बेस के अगर देखें तो ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन होती है उसके अपन बातें नेक्स्ट वाली क्लासों में बात करेंगे कि ओवरलैपिंग का प्रोसेस क्या होता है, तब इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहाँ पर आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। ओके, 2 टाइप के सिग्मा एंड पाई। फर्स्ट वाला सिग्मा बॉन्ड है, इसका नोटेशन आपको दे रखा है, पाई को इस प्रकार से नोटेट करते हैं, पाई बॉन्ड कहलाता है। और वन बाई वन हम एक एक बॉन्ड को देखने वाले हैं कौन सा बॉन्ड है किस प्रकार से करेक्टर शो करते हैं। देखिए आप सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बेस के आधार पर है, जो फर्स्ट वाला बॉन्ड आपके पास में है वो है आयनिक बॉन्ड। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसकी बातें अपन करने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। स्टैंड से पहले आपको रिमेंबर होगा अपन ने पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़े थे, उसमें आपको याद है आयनिक पोटेंशियल अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले जो टॉपिक थे वो अपन ने वहाँ पर स्टडी किया था। वो टॉपिक्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी टॉपिक के अंदर रहने वाला है। तो उस प्रीवियस वीडियो के आधार पर, उस क्लासों के आधार पर थोड़ा सा आपको याद होगा कि आयनिक जो बॉन्ड होता है उसको बनाने के लिए आपके पास में
आयंस की रिक्रूटमेंट होती है। किसकी होती है? आयंस। और आयंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, में पहले आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के थे, कौन कौन से? केटायन एंड एनायन। केटायन एंड एनायन, केटायन का मतलब मीन्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा है? केटायन है। विच हैव नेगेटिव चार्ज, दैट इज एनायन। वो क्या है? एनायन है। तो आप देखिए आयनिक जो बॉन्ड है उसमें आयंस का रोल सबसे बड़ा है, और आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, केटायन एंड एनायन। केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। एक एग्जांपल आपके पास में है, NaCl, क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे साल्ट भी कहते हैं। और NaCl का जो फॉर्मेशन है इसमें कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको बताना है। NaCl में देखें तो दो एलिमेंट हैं, यहाँ पर दो एटम हैं, एक Na है और एक क्या है? Cl। Na जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी सीन कर चुके हैं, वो आपको याद होना ही चाहिए, इसको सेव होना ही चाहिए। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। दूसरा आपके पास में है, अगर इस वाले सोडियम की बात करें तो सेकंड आपके पास में क्लोरीन। क्लोरीन जो एटम है ये 17 नंबर पे आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप से है देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक स्टेट के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ इस सोडियम मेटल की। NaCl में अपन देखें तो यहाँ पर जो Na है वो है पॉजिटिव आयन, और Cl क्या है? नेगेटिव आयन। क्या है? नेगेटिव आयन। तो Na प्लस है और Cl क्या है? नेगेटिव आयन है। इस Na वाले को Na प्लस कंडीशन में लेकर के आपको आना है, तो क्या करना होगा स्टूडेंट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। इन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट करेगा। यानी इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस। क्या बन जाएगा? Na प्लस। उसको बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड सोडियम आयन। और सोडियम आयन होने का मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव अपन ने कर दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ से रिमूव कर दिया है, कितना हो गया s में? 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम यहाँ पर देखें तो Cl है, ये Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन क्या क्या रिलीज किया है? इसने इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये कैसा हो जाएगा? Cl नेगेटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है, तो आप देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कौन से ऑर्बिटल में होगा? इसमें पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ओके, ये है Cl आयन का, ये है Na प्लस आयन, और ये है Cl माइनस आयन। इस वाले क्या बोलेंगे? केटायन। और इस वाले क्या बोलेंगे? एनायन। तो NaCl में केटायन तो कौन है? Na प्लस, और एनायन कौन है? Cl माइनस नेगेटिव। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या है? आयनिक जो बॉन्ड होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में जनरेट होता है। यानी Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन्स हैं, इट हैव ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स। दैट मीन्स Na एंड Cl हैव ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और दैट इज आयनिक बॉन्ड, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
ए आयन दैट इज NaCl, इट इज आयनिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप बॉन्ड प्रोसेस गिव द नेचर ऑफ ए दीज टाइप कंपाउंड NaCl इज आयनिक इन नेचर तो वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ए एक्सेप्टिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर इज फाउंड देन देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर डोनेट किया जाता है, एक एटम अगर डोनेट करता है और एक एटम उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आयन्स बनेंगे. और आयन्स हैं वो केटाइन्स होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो केटाइन्स बनेगा. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टैंड्स A9 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है NaCl, Na में Na प्लस है और Cl क्या है, नेगेटिव. मोस्टली फर्स्ट वाला जो पार्ट है, अगर अपन A और B कोई आप मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पर लिखते हैं जिसमें दो एटम प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला एटम जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड वाला जो एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, तो दो आयन्स होते हैं. एवरी मॉलिक्यूल मोस्टली इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू आयन्स आर प्रेजेंट, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज ए नेगेटिव आयन्स. पॉजिटिव ऑलवेज कम्स मोस्टली फर्स्ट एंड नेगेटिव कम्स आफ्टर दिस. ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इन दिस NaCl, Na इज पॉजिटिव, Cl इज ए नेगेटिव आयन. Na प्लस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कौन सी एनर्जी कहलाएगी, आयनिक पोटेंशियल. क्या कहलाएगा, आयनिक पोटेंशियल या आयनिक एनर्जी कहलाएगी. ये अपन पढ़ा था वहाँ पर कि आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Cl में से एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इसने गेन कर लिया है तो मुझे बताइए एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, ये कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट मीन्स EA. आपको याद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी टेंस में अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, ये यहाँ पर मैंने Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, केटाइन्स और एनायन्स का कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो गया, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही मतलब क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड. कौन से करैक्टर आ गए इसके अंदर, NaCl के अंदर कौन से करैक्टर होते हैं, आयनिक करैक्टर जनरेट होते हैं. ये अपन स्टूडेंट देखा कि आयनिक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होना नेसेसरी है. अब अपन बात करते हैं आयनिक जो बॉन्ड होता है उस आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. देखिए आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, इसके अंदर कौन कौन से मेन प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड में होती हैं, आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज की अगर बात करें इसमें कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो अगर फर्स्ट बात करें आयनिक प्रॉपर्टीज में, एक तो इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या, ये होते हैं रेजिड. कैसे होते हैं, रेजिड होते हैं. और दूसरे ये होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टलिन जो फॉर्म होती है उसमें एग्जिस्ट करते हैं. जैसे जस्ट लाइक आइस, जो बर्फ होती है, आइस होती है, वो कैसी होती है, रेजिड होती है, और साथ में कैसी होती है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जनरेट होती है. तो सॉलिड जो कंपाउंड होते हैं, मोस्टली जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं. आप साल्ट को देखते हो, NaCl, NaCl अपन ने पढ़ा है, NaCl क्या है, साल्ट है, और साल्ट है वो किस फॉर्म में, सॉलिड कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है, तो ये कैसा होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा. KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है. इसके अलावा अगर बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, आयनिक नेचर का होता है. HCl, H और Cl, ये भी कैसा है, आयनिक नेचर का होता है. इसके अलावा अगर बात करें HNO3 जो होता है, इसके अंदर भी क्या है, आयनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है. तो बहुत सारे कंपाउंड अपने पास में ऐसे हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड वाले
उन्हीं की अगर बात करते हैं, रिजिड उत्तर कैसे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, आयनिक जो क्रिस्टल हैं उनकी अगर बात करें तो सॉलिड कंडीशन में हैं, सॉलिड वाले अगर हैं तो उनकी दो चीज़ें बातें करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट, एक क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सॉलिड है, यहाँ पर NaCl की बात करेंगे तो ये सॉलिड है, सॉलिड की किसकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब है आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, और अगर ये लिक्विड अवस्था में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है। इसका मतलब है आयनिक कंपाउंडों का बॉइलिंग, ये मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी आपके पास में है वो इसकी अगर बात करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते, अगर ये नॉर्मल अवस्था के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे आपके पास में NaCl है और ये सॉलिड कंडीशन में कैसा है, सॉलिड है, तो अगर ये कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करते हैं। NaCl अगर सॉलिड कंडीशन के अंदर है, NaCl सॉलिड है तो ये नॉन कंडक्टर होगा। कैसा होगा, नॉन कंडक्टर होगा, समझ गए बातें। अगर NaCl जो है इसको अगर ये एक्वस मीडियम में है यानी वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में इसको डाल दिया NaCl को, तो क्या करेगा, ये कंडक्टिविटी शो करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये क्या नेचर कैसा होगा, ये नॉन कंडक्टर भी हो सकते हैं और कंडक्टर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कौन सी फॉर्म में, सॉलिड में है, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में अगर आ गए किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, आयनिक फॉर्म में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, और अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, आयनिक कंपाउंडों के अंदर पाई जाती है मेन प्रॉपर्टी। दूसरा, इसके अगर बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री जो होती है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ, ये बोर्ड एक सॉलिड है, अगर ये सॉलिड, अगर मैं इस बोर्ड को कह रहा हूँ तो ये कैसे, इसकी ज्योमेट्री क्या है, फिक्स है, इसका शेप एंड साइज भी क्या है, फिक्स है, इस टाइप से रहेगा। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास में डस्टर है, ये सॉलिड कंडीशन में है तो ये क्या है, सॉलिड वाला है, और सॉलिड होने का मतलब इसका शेप साइज क्या है, फिक्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट होता है, चेंज नहीं होता है। ये भी अपन देख सकते हैं, तो नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो रिजिड प्रवृत्ति के हैं, नेचर के, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, आयनिक सॉलिड कंडीशन की जैसे ही आपको मिलने वाली है। अब जो अपन बात कर रहे हैं कि आयनिक जो बॉन्ड होता है, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, उन आयनिक बॉन्डों को, जिन कंपाउंडों में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जिन कंपाउंडों में स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे आपने NaCl देखा, इनकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, इसकी बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है, सोल्यूबिलिटी, वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, तो वाटर सोल्यूबल, अगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो बोलेंगे सोल्यूबल इन वाटर, और इनसोल्यूबल, दो वर्ड है यहां पर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। वाटर में अगर डिजोल्व हो जाता है तो ये कहलाएगा सोल्यूबल इन वाटर, अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होता क्या कहलाएगा, इनडिजोल्व इन वाटर। ओके, ये अपने पास दो प्रॉपर्टी है। सोल्यूबिलिटी जो होती है स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंडों की, जो सोल्यूबिलिटी है आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, आयनिक कंपाउंडों की सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर। किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी जो होती है स्टूडेंट इसको क्लियर करना जरूरी है। लैटिस जो एनर्जी होती है इसको नोट करते हैं यू से, इससे नोट करते हैं यू से। अब देखिए लैटिस जो एनर्जी होती है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर है, रेडियस पर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव जो आयन होते हैं उनकी रेडियस जो होती है वो कितनी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है आयनिक रेडियस यानी R, R का मतलब है रेडियस, पॉजिटिव आयन की और नेगेटिव आयन की रेडियस कितनी होती है, कितना साइज होता है। रेडियस का मतलब क्या होगा, यहाँ से रेडियस का मतलब है मोस्टली साइज से, इस पर डिपेंड करता है रेडियस, साइज, ये इतना सा है, ये इतना है, इसका इतना बड़ा साइज है, इसका
इसकी रेडियस दो होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी इसकी रेडियस, उससे भी ज़्यादा होगी। और मोस्टली अपन ने देखा है, बात करें अपन एन ए की और बात करें अपन एन ए प्लस की, तो किसका साइज बड़ा होगा, कौन बिग साइज का होगा? एन ए जो है ये है एन ए न्यूट्रल कंडीशन में है, ये आयनिक फोरम के अंदर है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है एटम पे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डैट मीन्स नॉर्मल अवस्था में देखे तो एन ए एन ए प्लस में से कौन सा साइज बड़ा होगा, एन ए का साइज क्या होगा, बिग होगा। सीएल और सीएल नेगेटिव में देखे किसका साइज ग्रेटर है, सीएल नेगेटिव का साइज क्या है, ग्रेटर है कंपेयर टू किसके, सीएल की कंपेरिजन में। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव अगर आता है तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो जिसका साइज अगर ज़्यादा है उसकी रेडियस भी क्या मिलेगी, ज़्यादा आपको मिलेगी। साइज कम है तो रेडियस भी क्या मिलेगा, उसका लो मिलेगा। डैट मीन्स यहीं पर अपने को देखना है कौन से वाले एन का साइज बड़ा है, कौन से एन का साइज छोटा है। अगर कंपेरिजन करें एन ए सी एल और के सी एल में किसकी लैटिक्स एनर्जी मोर होगी, लैटिक्स एनर्जी किसकी मोर होगी, तो देखिए यहाँ पर Cl और Cl दोनों में सेम है क्या, सेम है। मैन डिसाइड कौन करेगा, Na, और मैन डिसाइड कौन करेगा, K। इसका मतलब Na प्लस और ये क्या है, K प्लस। आपको याद होगा इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस टाइप से अपने ग्रुप के अंदर एस ग्लो के एलिमेंट में इस टाइप से आपने 10th क्लास में इसको देखा होगा कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम या प्रिडिक्टेबल जो आप लोगों ने स्टडी की है चैप्टर प्रीवियस चैप्टर के अंदर वहां पर आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम इस टाइप से ग्रुप फर्स्ट के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर अपन देख रहे हैं कि साइज क्या हो जाता है, प्रिडिक्टेंस में अपन ने देखा था साइज क्या होगा, इंक्रीज। साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, सोडियम का साइज क्या होगा, पोटेशियम की साइज की कंपेरिजन में नहीं स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। ये कम होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। डैट मीन्स ये स्मॉल साइज का रहेगा। तो Na प्लस जो है ये वाला आयन क्या है, स्मॉल साइज का, कैसा है, स्मॉल साइज कंपेयर टू किसके, K प्लस आयन की तुलना में क्या होगा, ये स्मॉल साइज का रहेगा। तो दोनों में साइज किसका बड़ा है, K प्लस का साइज ज़्यादा है। तो अगर K प्लस का साइज ज़्यादा होगा तो अगर बात करें साइज ज़्यादा है, दैट मीन्स साइज किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, R प्लस या R नेगेटिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइज ज़्यादा है पॉजिटिव का तो रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब रेडियस अगर इंक्रीज हो गया, रेडियस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी लैटिक्स एनर्जी क्या होगी, लो होगी। लैटिक्स एनर्जी क्या होगी, उसकी लो होगी। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले में देखें एन ए सी एल और के सी एल में अगर बात करें तो कौन से वाले की लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी लैटिक्स एनर्जी क्या मिलेगी, मोर होगी। जिसकी रेडियस किसी कम है, एन ए सी एल वाले में एन ए की रेडियस कम है, ये डिसाइड कर रहा है, के सी एल में इसकी ज़्यादा। इसका मतलब होगा इसकी लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा होगी, एन ए सी एल की लैटिक्स एनर्जी के सी एल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, ये यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सोल्युबिलिटी की बात करें अपन इसके बेस के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयंस, आयंस के ऊपर चार्ज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या होगा, सोल्युबिलिटी जो डिपेंड करती है, अलग अलग नेचर से इसको देख सकते हैं। अगर साइज छोटा है, नॉर्मली आप लीजिए छोटे साइज वाले पार्टिकल्स आपके पास में, एक बड़े साइज वाले पार्टिकल्स हैं, अगर आप उसको वाटर के अंदर डाल दें तो कौन जल्दी डिजोल्व होगा, बड़े साइज वाला या छोटे साइज वाला। देखिए यहाँ पर अगर नॉर्मली मैं कहूँ, एक आपके पास में पाउडर है और एक आपके पास में क्या है, सॉलिड कंडीशन के अंदर चोक है, जो चोक अपन यूज़ कर रहे हैं, चोक को मैं पानी में डालता हूँ, एक पाउडर बनाएंगे पानी में डालता हूँ, कौन जल्दी डिजोल्व होगा, नॉर्मल सी बात है पाउडर फास्टली डिजोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है उनका साइज छोटा है, डिजोल्व होने में टाइम नहीं लगेगा, आसानी से सोल्यूबल हो जाएंगे। बट जो चोक होता है उसका साइज बड़ा है, उसको डिजोल्व होने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगने वाला है, सरफेस एरिया क्या उसका कम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी सेम है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। अगर अपन बात करें कि NaCl और KCl में से कौन वाटर में
फास्ट डिजोल होगा, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है क्या? दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो कौन फास्ट डिजोल होगा? NaCl या KCl? NaCl वाला जो है इसमें देखिए तो सोडियम का साइज छोटा है और KCl का साइज क्या है? बड़ा है। साइज क्या है? बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले में अपन देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इसमें थोड़ा देखें तो KCl जो होता है K प्लस आयन और Na प्लस आयन में, तो देखिए तो साइज किसका बड़ा है? इस वाले का। जिसका साइज बड़ा होगा वो यहाँ पर जल्दी डिजोल्व होगा। इसका मतलब क्या होगा? जितना छोटा साइज होता जाएगा डिजोल्व होने की नेचर क्या होती जाएगी? उसकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होगा तो क्या होगा? लैटिक्स एनर्जी ज्यादा होगी। क्या होगी? लैटिक्स एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और लैटिक्स एनर्जी क्या होती है? किसी भी कंपाउंड के डीकम्पोज होने पर जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? लैटिक्स एनर्जी कहा जाता है। या दो एटम्स के आपस में फ्यूज होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे भी क्या कहते हैं? लैटिक्स एनर्जी। इसका मतलब चाहे मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, चाहे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिक्स एनर्जी कहलाएगी। और लैटिक्स एनर्जी जो होती है वो सोलिबिलिटी के अंदर अगर बात करें तो डायरेक्टली इसको इफेक्ट करती है साइज फैक्टर के आधार पे। तो के प्लस आयन जो होगा वो जल्दी डिजोल्व होगा बजाय किसके? एन ए प्लस आयन की। इसका मतलब क्या होगा? के सी एल जो होगा वो जल्दी डिजोल्व होगा बजाय किसके? एन ए सी एल की कंपेरिजन में, किसमें? वाटर के अंदर। ओके, ये अपन इसके अंदर देखा कि आयनिक जो प्रॉपर्टी है उसमें सोलिबिलिटी डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करती है। नॉर्मली उसमें सबसे बड़ा फैक्टर के स्टूडेंट्स लैटिक्स एनर्जी क्या है? लैटिक्स एनर्जी। और लैटिक्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या दे रखा है? ये होता है, इसको यू से नोट करते हैं। ये वन अपॉन आर प्लस और आर नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव यानी केटाइन होता है। और ये क्या होता है? ए नाइन की रेडियस होती है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो रेडियस होती है यानी साइज होता है वो डिसाइड करता है कि लैटिक्स एनर्जी कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। लैटिक्स एनर्जी जितनी उस आयन की ज़्यादा रहेगी, लैटिक्स एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी सोलिबिलिटी उतनी क्या रहेगी? वहाँ पर कम मिलेगी। ओके, ये प्रोसेस अपने को इसमें समझ में आना चाहिए। मोस्टली अपने देखा यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड है उसमें आयनिक जो बॉन्ड होता है उसकी डिफरेंट टाइप में जो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से करेक्टर उसके अंदर पाए जाते हैं, उन फीचर को अपन ने देखा है। और इसके अलावा अपन देखते हैं आयनिक जो कंपाउंड होते हैं या आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंडों में पाए जाते हैं, NaCl, KCl, HCl, HF वगैरह हैं, इन सभी के अंदर आयनिक बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये आयनिक बॉन्ड किस नेचर का होता है, वाटर में डालने पर कैसे डिजोल्व होता है, कौन जल्दी डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, कौन लेट डिजोल्व होगा, किस नेचर के आधार पे, लैटिक्स एनर्जी के बेस के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये अपन इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं इसके अंदर अपन बात करेंगे स्टूडेंट से कोवलेंट जो बॉन्ड रहेगा उसकी बातें करेंगे और कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। इस वाले टॉपिक को अपने को अगर समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, तो जेंट थोड़े से बेसिक जो चीज़ें अपने को वो अपने माइंड में रखना नेसेसरी है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने 20 एटम्स का बताया वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो माइंड में होना चाहिए। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए आपको आयनिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो आपका दिमाग के अंदर होना चाहिए। उसी के बेस पर अपन इसकी बातें करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी कितनी होती है, वो आपको याद होना नेसेसरी है, तभी अपने को ये अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट इस पूरे यूनिट के अंदर यही चलने वाला है, इसलिए अपने को थोड़े से पीछे वाली जो क्लासें हैं उनको भी माइंड के अंदर रखना है कि इस वाले टॉपिक में अपन ने क्या स्टडी किया था। वो केमिस्ट्री के अंदर यही चीज़ें बेटा कनेक्शन अपना होना चाहिए। पीछे वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा है वो नेक्स्ट वाले चैप्टरों के अंदर काम आता है। तो पहले अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर ही आगे वाले टॉपिक के अंदर आपको यूजफुल रहेगा। अब पीछे वाले टॉपिक आपको क्लियर नहीं है फिर यहाँ पर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाय द वे फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो कम्प्लीटली आपको आयनिक बॉन्ड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाले अपन देखने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के अलावा जो अपना नेक्स्ट बॉन्ड रहेगा कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बातें अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।